यहाँ पर बना रहे हैं हरे चने की सब्जी। ये देखिए, ये हरे चने हैं यानी कि छोलिया। कई जगह इनको हरे चने बोलते हैं, कई जगह छोलिया बोलते हैं। बहुत टेस्टी सब्जी बनती है और बहुत हेल्दी होती है सब्जी। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है आधी कटोरी हरा चना। और इसमें मैं डालूँगी, यहाँ पर मैंने काटा है एक कच्चा आलू। आधी कटोरी छोली है तो इसमें एक आलू डलेगा, ज़्यादा आलू हमें नहीं डालने, नहीं तो वो आलू आलू दिखाई देते हैं ज़्यादा। और यहाँ पर मैंने घिसे हैं दो टमाटर मीडियम साइज़ के, और लूँगी थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च। इसमें आप बारीक करके प्याज लहसुन उसका भी छोंक लगा सकते हैं, उनको भी भून के इसमें डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ बिना प्याज की हरे चने की सब्जी। यहाँ पर कुकर में मैंने लिया है एक कड़छी रिफाइंड ऑयल। गैस हमारी मीडियम है, तेज नहीं है। अब इधर मैं डालूंगी थोड़ा सा हींग, आपने मटर की सब्जी खाई होगी, मटर पनीर वगैरह की, आप इसकी भी बना के खाइए, बहुत टेस्टी लगती है सब्जी। और यहाँ पर मैं डालूंगी आधी चम्मच जीरा, फ्लेम थोड़ी सी हम तेज कर लेंगे। अब इसे हम चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे। यहाँ पर जीरा और हींग हमारा भून चुका है। अब यहाँ पर डालूंगी एक चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इन सब को भी हम भून लेंगे चला के थोड़ा सा। अब यहाँ पर जो हमने अदरक और हरी मिर्च काटा था वो इसमें डाल देंगे। इसमें ऐड कर दूंगी मैं टमाटर, अब इधर मैं डालूंगी थोड़ा सा ये गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक आधी चम्मच ले रही हूँ यहाँ पर मैं, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि इसमें हरी मिर्चें भी हैं गरम मसाला भी है, तो इसलिए लाल मिर्च पाउडर हमने कम ही डाला है यहाँ पर। अगर आप थोड़ा सा तीखा खाते हैं तो आप लाल मिर्च और डाल सकते हैं इसमें। इसको थोड़ा सा हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे। देखिए 1 मिनट हो गया, ये थोड़ी सी भून चुका है हमारा मसाला। अब इसमें मैं ऐड करूँगी हरे चने यानी कि छोलिया, इनको आपको धो लेना अच्छी तरह से। अब यहाँ पर ये आलू हमारे धुले में, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है 1 गिलास के करीब। आपके ऊपर है कि आप कैसी थोड़ी सी लिपटवा खाते हैं या रस्से वाली ज़्यादा खाते हैं, तो उस हिसाब से आप पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए इतनी सब्जी में इतना पानी बिल्कुल सही है, ये पूरा 1 गिलास ही था, 1.25 गिलास पानी है ये इसमें। अब इसे में इसमें ढक्कन लगा के इसको हम मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 बिसी लाने देंगे, और जब ये पूरी बन जाएगी सब्जी तो मैं हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हमारे छोले की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है मीडियम फ्लेम पे। इसमें मैंने 4 बिसी लगा दी थी, और जब कुकर ठंडा हो गया है तो हमने इसे खोल के निकाल लिया है सर्विंग बाउल में। देखिए कितनी अच्छी लग रही है सब्जी। मान लीजिए आपका पाप को लगता है पानी ज़्यादा है तो आप पानी को थोड़ा पका सकते हैं। अगर आप ज़्यादा रशे वाली खाना चाहते हैं तो आप इसमें रशा अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। हमने यहाँ पर ठीक ठीक बनाई है, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है इस टाइम इसकी। ये देखिए हमारे यहाँ पर छोले की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है, चटपटी और मसालेदार छोले की सब्जी, हरे चने की सब्जी। तो ये थी आज की रेसिपी।